फरीदाबाद में मंदिरों के दान से शुरू हुई पेटीएम की सुविधा अब फल और सब्जी की दुकानों तक पहुंच गई है। नोटबंदी के बाद मंदी के दौर से गुजरे दुकानदारों ने अपनी बिक्री बरकरार रखने के लिए पेटीएम सुविधा उपलब्ध करा दी है। फरीदाबाद सेक्टर 29 स्थित फल और सब्जी विक्रेताओं ने अपने फल और सब्जी पेटीएम से भुगतान के जरिए बेचना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ी है और ग्राहकों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि ग्राहक जेब में छोटा कैश न होने के चलते खाने पीने की चीज़ों से कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा दूर हो गए थे, मगर पेटीएम सुविधा होने से ग्राहकों ने फिर से जमकर खरीदारी करना शुरू कर दिया है। नोटबंदी के बाद बाजार में छाई मंदी के शिकार हुए सब्जी विक्रेता हरिओम की माने तो 500 और 1000 के नोट बंद होने से उनकी दुकानदारी कम हो गई थी। इतना ही नहीं, उनकी सब्जियां भी सड़ने लगी थी, जिसका उपाय निकालते हुए उन्होंने सब्जी मंडी में सबसे पहले पेटीएम सुविधा शुरू की थी। नाम है आपका? रिपन गुप्ता। गुप्ता जी, ये 29 की फल सब्जी मंडी है, यहाँ आपने पेटीएम यूज किया है, फल खरीदे हैं, कितने के फल खरीदे हैं? कितने खरीदे हैं? या 2-2 किलो लिए मैंने। तो फल अमाउंट में कितने के खरीदे? 490 का जी। तो किस तरह से आपने पेमेंट किया उनके? पेटीएम के थ्रू करें जी। तो इस कैश लेस प्रणाली के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत कम्फर्टेबल हूँ इससे जी। तो कितना कंफर्टेबल है और कितना फायदेमंद होगा आम लोगों के लिए या फिर फल विक्रेताओं के लिए? नहीं, फायदेमंद तो है ही है, आपको हर समय कैश रखने की जरूरत नहीं है जेब में, और सबसे बड़ी बात है फल सब्जी वालों ने पेटीएम लगा लिया हमारे, तो बहुत कंफर्टेबल हो गया। अब बैंकों में एक तो बुरा आ रहा है आजकल, लाइन लग रही है इतना, और चेक लेके जा रहे हैं पूरा पैसा मिल नहीं रहा, तो हमारे लिए तो बहुत कम्फर्टेबल है पेटीएम जी। तो क्या चाहते हैं कि अन्य जहाँ से खरीदारी करते हैं और भी लोग फल की जगह अन्य मार्केटों में पेटीएम यूज होना चाहिए? हम तो कर रहे हैं यूज़, हम तो यूज़ कर रहे हैं पेटीएम, डेबिट कार्ड सब कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये सुविधा, ये जो नीति बनाई है ये ठीक है या गलत है? नीति ठीक है, नीति में कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो कैश की कमी है वो प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, जो बैंकों में कैश प्रॉपर नहीं आ रहा, व्यवस्था जो ठीक नहीं हो पा रही है, इसके लिए कहना। जो अभी इन्होंने बैंक में प्रॉपर कैश आना चाहिए, बैंक में प्रॉपर कैश आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। क्या सब नाम है आपका? रजनी गुप्ता। रजनी जी, आप फल सब्जी मंडी में आए हुए हैं, फल खरीदे हैं आपने, क्या कहना चाहेंगे ये जो पेटीएम जिस तरह से लोग यूज कर रहे हैं? नहीं, पेटीएम की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है, मोबाइल से अपनी पेमेंट करो, बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, आपको कैश नहीं उठाना पड़ रहा। बस सरकार की ये जो नीतियाँ हैं सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही तकलीफ है कि जो बैंकों में कैश प्रॉपर अभी तक नहीं आया, क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी अगर अभी भी चेक लेकर जा रहे हैं तो वही 2000, 3000 या 10000 ही मिल पा रहे हैं। तो बस सरकार से यही विनती है कि वो कैश प्रॉपर ढंग से बैंकों में पहुंचाए, ताकि आम लोगों को तकलीफ ना। कैशलेस प्रणाली के लिए क्या कहना? कैशलेस प्रणाली बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट हैं इससे आप? बिल्कुल संतुष्ट।